हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। और यूं ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना है, मेरे सारे व्यूवर्स को अपने मार्ग में सफलता मिले और आगे बढ़ते रहें। तो आज का वीडियो काफी दिनों के बाद आया हुआ है क्योंकि मेरे घर की और मेरे दिमाग की स्थितियां कुछ ठीक नहीं थी। टेंशन, परेशानियां, घरेलू प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो आज मैंने सोचा चलो आज वीडियो डाल देते हैं, तो इसलिए आज मैंने वीडियो मतलब रिकॉर्ड की थी आप लोगों के लिए। तो आज ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कपड़ा प्रेस करते हुए। ये जो कपड़ा मैं प्रेस कर रही हूँ वो है ब्लाउज पीस। जी हाँ, मेरे पास बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो मेरी मंझली वेली ननद आई हुई है, तो मैंने सोचा उनके लिए मैं एक ब्लाउज पीस तैयार कर देती हूँ। मतलब ब्लाउज पीस रखा था, ब्लाउज बना देती हूँ, तो इसीलिए इसको प्रेस कर रही हूँ क्योंकि काफी समय से ये रखा हुआ था तो सिमट सा गया था। तो मैंने इसको सबसे पहले प्रेस किया, फिर उसके बाद बनाया है ये ब्लाउज। करीबन मुझे 2 दिन लगा बनाने में क्योंकि पहले मैं बना लेती थी एक बार में ही, और सिंपल सा ब्लाउज था कॉटन का तो एक दिन में ही बन जाता, लेकिन नहीं हो पाता है मुझसे। तो मैंने ये ब्लाउज 2 दिन में तैयार किया है। तो चलिए, आप सबको मैं बहुत याद कर रही थी, अपने प्यारे व्यूवर्स को याद कर रही थी, जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे थे उन लोगों को भी याद आ रही थी, पर मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसके लिए आप सभी को सॉरी। तो फिर से मुझे आप प्यार दीजिए अपना, और यही मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप तक मेरी वीडियो अगर पहुंचेगी तो आप लोग जरूर देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्लाउज कटिंग कर ली है और मैंने लमसम आधा सादा ब्लाउज बना भी लिया है। तो अब मैं गले में बनाने जा रही हूँ पाइपिंग। और पता है सब ब्लाउज में मुझे सबसे जल्दी क्या चीज़ रहती है बनाने की, तो मैं सोचती हूँ गले की अगर पाइपिंग बन गई तो मेरा ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करती हूँ, सबसे पहले मैं गले का अगर मुड्ढे का जोड़ लिए तो मैं सबसे उसके बाद में मतलब गले की पाइपिंग ही बनाती हूँ। तो वही मैं बना रही हूँ, अभी ब्लाउज बनाना बाकी है, लेकिन मैंने गले का पहले इतने सोचा कि कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गले का काम मेरा कंप्लीट होने वाला है और बहुत दिनों के बाद ब्लाउज मतलब कटिंग करी है तो डर लग रहा है, पता नहीं सही बन रहा कि नहीं बन रहा, क्योंकि अगर लगातार बनाते रहो तो हाथ साफ़ हो जाता है वरना नहीं रहता। तो मैंने आधा साधा ब्लाउज बना लिया है, थोड़ा सा स्लिप लगानी रह गई है तो मैं कल लगाऊंगी। तो ये जो कतरन पड़ा हुआ है इसे समेट कर रख दूंगी एक तरफ, कूड़ेदान में डाल दूंगी, जो ज़रूरत की पट्टियां हैं वो समेट कर रख लूंगी। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं ये अगले दिन का वीडियो है क्योंकि उस दिन मैंने थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था बस, और दूसरे दिन का वीडियो क्योंकि रात को इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई उसके बाद की वीडियो मैं बना भी नहीं पाई। मौसम इतना ख़राब था, 28 जून मतलब जून को बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। तो मैं सो के उठी हूँ और कोई साफ़ सफाई नहीं करी है, सिर्फ ना आई हूँ, नहा लिया है, नहाने के बाद खाना तैयार कर दिया है, उसके बाद मैं देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि नहाने के बाद ही खाना मैं बनाती हूँ ना, तो झाड़ू पोछा नहीं किया है। तो सिर्फ किचन में जाकर मैंने अपने हस्बैंड का टिफ़िन तैयार कर दिया है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि रात की पोजीशन क्या थी। रात में इतनी भयानक बारिश हुई कि पूरे घर में पानी ही पानी, इतना पानी कि मतलब पैर के पंजे पूरे डूब जा रहे थे, इतना पानी आ रहा था। क्योंकि मेरे घर का छज्जा गिर गया है ना, तो उसकी वजह से सारा पानी अंदर आ रहा था और बहुत, और जब ऊपर कम रुक रहा था पानी, नी बालकनी से सारा पानी नीचे जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना मतलब बुरा हाल हो गया था मेरे घर का। ये बालकनी है, बालकनी से सीधे
सीढ़ियों से नीचे पानी जा रहा था। तो अनमोल लोगों ने क्या किया था, मेरे मतलब जेठ के लड़के लोगों ने, तो सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ये कथरियाँ पड़ी हुई थी पानी रोकने के लिए, तो वही डाल दिया गया था कि रास्ता बंद कर दिया जाए। फिर छज्जा थोड़ा सा तोड़ दिया गया था, तो फिर पानी बाहर निकलने लगा था, क्योंकि पनारे से इतना मतलब ज़्यादा पानी नहीं निकल पा रहा था। और घर घर के मतलब घर का छज्जा टूटा हुआ है, तो घर का छज्जा किनारे से टूटा हुआ है ना, तो सारे आगे के कमरों में पानी मतलब टपक रहा था, तो इस पर भी टपक रहा था। तो ये सोफ़ा भी मेरे हस्बैंड ने हटा दिया था, ऊपर से टपक रहा था, पर ज़्यादा हमारे कमरों में इतना पानी नहीं आया, किचन में भी थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा था, तो इसलिए इसको साइड में कर दिया गया था। और मेज़ जो है अपने बेडरूम में डाल लिया था, क्योंकि वो भी लकड़ी की थी तो नीचे से फूल जाती और बेकार हो जाती, तो इसलिए उसको भी वहीं पर डाल दिया गया था। बहुत ही भयानक बारिश हुई, और देखिए आंगन के ऊपर से भी पानी टपक रहा है, ऊपर जो पानी पड़ी हुई वो भी उसमें छेद हैं, तो वो भी नीचे से पानी आ रहा था, पूरे घर में पानी ही पानी। इसलिए अब मैं ये सब मतलब सारा काम ख़त्म करने के बाद किचन का, इसके बाद सारी साफ़ सफ़ाई करूँगी, और भी करूँगी या ना करूँ कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, फिर वैसे ही हो जाएगा, तो इसलिए शायद आज ना भी करूँ, क्योंकि बीच बीच में झाड़ू मार दूँगी और उसके बाद ही कल साफ़ सफाई होगी जो होगी, क्योंकि मौसम बहुत बारिश वाला है। और ये देखिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए पराठे बनाए, अपने लिए रोटियाँ, ये गाय की रोटी है, तो चलो उसको खिलाते हैं। तो गाय को मैं चीनी रोटी खिलाती हूँ या गुड़ या रोटी ऐसे कुछ। और ये मेरे बचे हुए चने रखे हैं और चने की सब्ज़ी बनाई है मैंने आज। तो मैं जा रही हूँ गाय को रोटी खिलाने, तो इसके लिए चीनी निकाली है, पिसी चीनी है, डाल देती हूँ रोटी में और खिलाती हूँ। तो रोटी खिला आई थी, हस्बैंड भी मेरे जा चुके थे, तो अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और जो सूखा सूखा बीच बीच में वही झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा फूल झाड़ू है, और नारियल झाड़ू होता तो चलो पानी घसीट लेते, तो नारियल झाड़ू मेरे पास था नहीं, तो इसी से बीच बीच में झाड़ू लगा रही हूँ, और बिस्तर जो है ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, क्योंकि बारिश होने वाली है बहुत तेज से, मौसम ख़राब है, अगर फिर से बारिश हुई तो फिर डालना ही पड़ेगा शायद, अगर पानी इधर आएगा तो। मेरे हस्बैंड ने कहा इसको ऐसे ही पड़े रहने दो, फिर कल देखेंगे जब मौसम साफ हो जाएगा, तो इसके बाद साफ सफाई करेंगे। तो किचन का सारा काम कर दिया था और दूध भी उबाल के रख दिया था। ये जो नीम की पत्तियां हैं, मेरी ननद आई हुई है, उनके बहुत गर्मी से दाने निकले हुए हैं, तो इसे उबाल के छान के ये जो पानी है नहाती हैं उससे, तो वही पकाने के लिए दिया है, वही इंडक्शन पे चढ़ा दिया है, और वो बैठी टीवी देख रही है, उनका लड़का भी है, और रोज जब से आई है तब से नीम का पानी उबाल के वो नहाती है, तो दे देते हैं उनको रोज। चलिए आपको दिखाते हैं, मेरी ननंद जी आई हुई है, बैठी हुई है, कई दिनों से हैं,
ये देखिए, ये मेरी मंझली वाली ननंद है और उनका वो लड़का है। तो पानी उबाल के उनको दे दिया था, ठंडा भी हो गया था, चले गए थे। फिर ये जो ब्लाउज पीस जो मैंने कल बनाई थी वही काम रह गया था, तो मैंने कहा चलो ये ब्लाउज भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि स्लिप लगाना ही रह गया था और फिटिंग करना था, तो वो काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि पहले मैं ब्लाउज बना लेती थी, एक दिन में ही कंप्लीट कर लेती थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके बना पाती हूँ, कमर में दर्द होने लगता है इसलिए। तो लीजिए, मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है, एकदम सिंपल सा ही ब्लाउज बना हुआ है, ना कोई डोरी है ना कुछ है। बहुत दिनों बाद बनाया था तो डर ये लग रहा है कि शायद मतलब गला भागे, मुड्ढे उतर जाए, तो इसके लिए एक सिंपल सी डोरी लगा देंगे, तो इससे गले गला जो है नहीं भागेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कटिंग करी है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। रेगुलर अगर बनाते रहो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप लोगों से कहना है कि आज की वीडियो अगर आप लोगों को जरा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय माता दी, राधे राधे।